न्यू और अपना स्ट्रक्चरल एनालिसिस ले लेते हैं जी। ओके, एलिवेशन पर जाते हैं। मैंने बोला एक फैक्ट्री शेड टाइप मुझे बनाना है, तो एलिवेशन मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए। केवल स्ट्रक्चर प्लान चाहिए। नीचे ले जाते हैं। एक जगह आ गए, अभी हम लेवल 1 पर हैं। अब हम जाते हैं लेवल 4 पर, सबसे नीचे। ये इनको रिनेम कर देते हैं। नीचे का बेस तो हमेशा सेम रहेगा, यहाँ हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं। बारह सौ बाय 1200, 450 का थिकनेस। फुटिंग हमने इसी का नाम दिया था ना। चलो खैर कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से और अपना फ्लोर तक हमें कॉलम क्रिएट करना है। फुटिंग पर वापस गया, कॉलम डेप्थ नहीं, हाइट अप टू लेंथ फ्लोर का, कॉलम का साइज टाइप पहले सेलेक्ट कर लें। और साइज हमने ले लिया, लेट्स से 600 बाय 600। आ गया वापस अपने फ्लोर पर जहाँ मुझे केवल कॉलम, यहाँ पर जाकर के कॉलम मुझे प्लेस करना है, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टील कॉलम। हाइट है मेरी रूफ तक। जब आप यहाँ प्लेस करने के लिए जाएंगे, बहुत बड़ा है, 254 वाला है ये वाला।
यहाँ आपने प्लेस कर दिया इस तरीके से। ठीक है जी, अब यहाँ जो ऊपर की बात आती है, यहाँ बीम ऐसा होता है स्लोप में और बीच का सेंटर इधर वाला और इधर वाला, यानी कि सेम स्लोप पर रहेगा दोनों। अब चलते हैं हम लोग रूफ वाले लेवल पर, वहाँ जाने पर आपको बीम तो कॉलम तो दिखाई दे रहे हैं, बीम आप तो पहला तरीका तो यह है, वहाँ से यहाँ तक आपने एक बीम बना दी। अगर एक बीम बना दिया तो मैं उसको स्लोप तो नहीं दे सकता ना अलग अलग। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं जो बीम बना रहा हूँ वो उसको दो पार्ट में तोड़ दूँ, फिर इसे सेलेक्ट करूँ और मान लीजिए आपको इसको हाइट देनी है, दोनों को सेम दी लेकिन फिर भी मैच नहीं कर रहा। वापस आ रहा हूँ जी, फिर से पहले वाले पार्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक बीम। इसके बाद मैंने एक टूल पढ़ा था स्प्लिट, मैं यहाँ जा कर के इसे मैंने स्प्लिट कर दिया उसे, इसे सेलेक्ट करूँ अगर एरो इधर है, इसे सेलेक्ट करूँ तो एरो इसका भी इधर है, इसका इधर है तो इसका भी इधर कर दिया, दोनों को सेंटर पे कर दिया, दोनों एक पॉइंट पे एरो आ गए। अब सेलेक्ट किया वैल्यू डाला, सेलेक्ट किया वैल्यू डाला, रुकिए सेम बात ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको हाइड कर दूँ प्रैक्टिकली नीचे भी बेस प्लेट लगी होगी और उसमें से नीचे कंक्रीट में फिक्सिंग के लिए आपके बोल्ट्स लगे होंगे या ग्रूव्स लगे होंगे, ये भी जॉइंट्स होंगे आपस में, ये भी आपस में जॉइंट होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पे कनेक्शंस लोड करने पड़ेंगे, जिस जिस टाइप के कनेक्शन आप इसमें यूटिलाइज करते हैं। कनेक्शंस में यहाँ देखो एक ऑप्शन है कनेक्शन सेटिंग्स, कोई शॉर्टकट इसका नहीं होगा, आप कनेक्शन सेटिंग्स पे जाके क्लिक करो, मुझे एपेक्स होम चाहिए, मुझे बेस प्लेट चाहिए, मुझे फ्रेम बोल्टेड वाला चाहिए, एंड प्लेट के साथ चाहिए, ये कुछ चार तरह के मुझे नीड है। अगेन आपको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन सा आपका कनेक्शन कहाँ पर यूज़ करता है, तभी तो आपको पता चलेगा उनमें से कौन कौन से यूज़ करना है। सेलेक्ट करके लोड कर लीजिए। अब बात ये आती है कि सर चलो सबसे पहले हमें इनके अंदर बेस प्लेट लगानी है, ऊपर की तरफ कनेक्शन का ऑप्शन है, ऑटोमेटिक में यूज़ नहीं करूँगा, मैं यही जाऊँगा मैनुअल कनेक्शन पर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फिनिश हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन कौन सा लगेगा मुझे नहीं पता, मैंने करा कैंसिल, मैंने बोला पहले यहाँ जाता हूँ और बोलता हूँ बेस प्लेट, राइट क्लिक फिनिश, लोड होने में टाइम लगता है, कनेक्शन बेस प्लेट सेलेक्ट राइट क्लिक फिनिश। मैंने बोला सर ठीक है लेकिन काम नहीं चल रहा, मुझे किसी और नीचे जे टाइप हुक चाहिए, सेलेक्ट करो। अब ये बेस प्लेट को मॉडिफाई करना ज़रूरी है, एडिट टाइप मॉडिफाई पैरामीटर्स, एक काम कर लेना
बेस प्लेट टू, उसके बाद मॉडिफाई करेंगे। प्लेट की थिकनेस डायमेंशन 250x250 हो रही है। प्लेट के कॉर्नर्स कुछ अप्लाई करना हो तो एंकर्स एंड होल्स, ये हमें एंकर टाइप। अब यहाँ पे आपको HI है डच हुक टाइप एंकर, इसमें जे टाइप के भी एंकर आते हैं। एल टाइप एंकर्स, यूएसएल जे हुक राउंड जे स्क्वायर, ठीक है, हमने जे राउंड दे दिया ये वाला। वॉशर प्लेट एंकर्स की पैरेलल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस एंड ऑल, ये सारे डिस्टेंस आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। इंटरमीडिएट डिस्टेंस मैंने कर दी 200 और नंबर ऑफ आइटम्स आ रही है अभी 2 मिनट, मैंने 3 कर दिए। ये कस्टमाइजेशंस, ठीक है जी। उसी के साइड में ले लिया, क्या फ़ायदा हुआ। इस डिस्टेंस को मेंटेन करने से ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं, इसको भी मैंने 3 कर दिया और वैल्यू को 200 कर दिया, ठीक है जी। अब सेंटर वाला तो रिमूव करना पड़ेगा, इसका भी ऑप्शन होता है, ये रहा रिमूव सेंटर बोल्ट्स, और ये सेंटर वाला रिमूव कर दिया उसने, ठीक है। टोटल आ गए। इस तरीके से आप कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं आप वन बाय वन वहाँ से कर सकते हो। ये टोटल अपने पास आ गया, इसे भी चेंज करना है तो जस्ट सेलेक्ट करो बेस प्लेट। दोबारा चलते हैं जी कनेक्शन, यहाँ यूज़ करना है मुझे नियो फ्रेम बोल्टेड, दिस एंड दिस, राइट क्लिक फिनिश। कनेक्शन दिस एंड दिस, राइट क्लिक फिनिश। कनेक्शंस एफएक्स ऑन दिस एंड दिस, फिनिश। हुए जी HR वापस आ गए नीचे वाले, तो पता नहीं चलेगा नीचे क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली कंक्रीट में फिक्स हो जाएगा। ये सेट बन गया पूरा, बाकी इनमें रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो आप। इसको सेलेक्ट किया, कॉपी कंस्ट्रेंट और मल्टीपल दोनों एक्टिव हो गया। आधा डलवा दिया आपने, कोई ना कोई ऑनलाइन रहता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो बनाते हुए समझ में आएगा दिक्कत है। साउथ एलिवेशन पर चलते हैं और यहाँ जा कर के हम बनाते हैं एक रेफरेंस प्लेन, पिक लाइन, और मैं चूज़ करता हूँ ये ऊपर वाली एज, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, अब ये प्लेन हो जाएगा मेरा, ढूंढना पड़ेगा मुझे, यहाँ को आ जाओ बाहर को, इस यहाँ मुझे पर्लिन बनाना है तो मैंने रेफरेंस प्लेन को नाम ही पर्लिन दे दिया, क्योंकि स्लांट है ना। अब मैं जाता हूँ जी रूफ लेवल पर, यहाँ जाने के बाद
मैं सेट करता हूँ अपना वर्क प्लेन कि मुझे वर्क प्लेन चाहिए बर्लिन। ओके नाउ बीम लोड फैमिली यूएस स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग लाइट गेज स्टील बर्लिन्स। इसको लोड कर लिया, यहाँ से लाइन चूज किया, यहाँ से बनाना स्टार्ट किया। मैंने एक पर्लिन डाला, कैसा डाला? हॉरिजॉन्टल। मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैंने बोला भैया आप ज़रा रोटेट हो जाओ। अब ये नीचे चला गया, देख रहे हो, इसे सेलेक्ट किया, ऊपर एक ऑप्शन आता है जस्टिफिकेशन पॉइंट्स। मैंने बोला ये ऊपर आओ, आगे इसे सेलेक्ट किया, यहाँ प्लेस किया। अब वापस इसे रूफ से देखा, सेलेक्ट किया, यहाँ तक आ गया जी। अब एलिवेशन पर चलते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, एरे चार सौ पचास दस। प्लेस कर दिया आइटम, सबको सेलेक्ट किया, टॉप व्यू, मिरर, पिक एक्सेस। इस तरह साइड में ही पर्लिन डाल सकते हो, अगर आपको साइड तक कवर ऑफ करना, सारा पर्लिन डाल दोगे आपका मेन स्ट्रक्चर ये रेडी हो जाएगा। अब हम चलते हैं किसी ईस्ट, किसको पर्लिन का, ये इसके साथ बेसिकली रिवेटिंग के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं बस ना, क्योंकि ये मेन स्ट्रक्चर इसके ऊपर रेस्ट करता है एग्जैक्टली। अब साइड में चलते हैं, मान लीजिए ईस्ट एलिवेशन है, ईस्ट एलिवेशन पर आ गए आप, और आप यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्रेस, ब्रेसिंग आपको करनी है, प्लेन पूछेगा। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, पहले फ्लोर पर आ जाते हैं और एक रेफरेंस प्लेन में बना रहा हूँ यहाँ, उसको नाम दे दिया आपने, वापस गए ईस्ट पर, आपने यहाँ से ब्रेसिंग सेलेक्ट किया, नाम, वर्क प्लेन सेट हो गया। अब वो लाइन पूछ रहा है, मैंने लाइन डिफाइन की वहाँ से यहाँ, सेंटर पर आया एग्जैक्टली। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको क्या यूज़ करना है, जैसे पर्लिन भी आ गया यहाँ, आप यहाँ एंगल भी यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जब आप ईस्ट एलिवेशन पर हैं इस एलिमेंट को, फिर से आप इस एलिमेंट को सेंटर तक ले जा सकते हो, मिडिल का पार्ट है ना वो, स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा जब आप रोड के साइड्स में देखते हैं जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं,
उसमें भी आपको ब्रेसिंग्स लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। अब उनके कनेक्शंस आपस में कैसे कैसे किए जाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वही है कनेक्शन लोड करो, कनेक्शन पे क्लिक करो, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। सिंपल यही तरीका होगा हर जगह, इस तरीके की आप ब्रेसिंग्स भी कर पाएंगे, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर्स को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा ना अलग अलग, उनका आपस में कनेक्शन भी किए जाएंगे, आप इस तरीके से उसमें ब्रेसिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई ब्रेसिंग्स की। इसके अलावा कुछ चीज़ें आप लोगों ने ऐसे भी देखी होंगी, सर हमारे पास ये एक कॉलम है, इन कॉलम्स में टॉप पर एक ट्रस लगा होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रस। ट्रस के यहाँ एक ही शेप आ रही है बाय डिफॉल्ट तो, लेकिन आपके पास अगर आप लोड फैमिली में जाएं, आगे लोड फैमिली अंदर आई नहीं रहेगा, चलो पहले सिंपली चले जाओ इंसर्ट लोड फैमिली, ये बताया था ना मैंने इंसर्ट लोड फैमिली, जब कुछ समझ में आए यहाँ कहीं ट्रसेस का एक फोल्डर होगा, ये शेप्स हैं सारे, जिस टाइप का भी ट्रस चाहिए लोड कर लो, वो लोड हो जाएगा। तो जितने भी स्टील स्ट्रक्चर्स हैं वो सब इस तरीके से बनाए जाते हैं। एक चीज़ और रह जाती है, इसे हटाओ, वर्क प्लेन एडिट होता है इसमें, यहाँ ऑफसेट डायरेक्टली आप बदल नहीं सकते, फ्लोर ऑप्शन नहीं होता। तो रूफ पर आ जाओ, तो यहाँ क्या ऑप्शन होता है, बीम सिस्टम, वर्क प्लेन अपना सेट कर लें, क्योंकि उसने पर्लिन सेलेक्ट कर रखा है ना, हम बोल दें नहीं हमारा रूफ है सिंपल। अब देखो उस केस में क्या है, आपने ये एक रेक्टेंगल बनाया, मेन बार इधर है, आप जैसे ओके करोगे देखो ये बीम की डायरेक्शन है, आप यहाँ बता सकते हो कि आपको हर 1200 mm पे बीम चाहिए, या आप बाउंड्री को एडिट करो, ये जो ऐसे आया बीम की डायरेक्शन आप गाइड करके ऐसे भी बता सकते हो, डायरेक्शन बदल दीजिए, तो बीम सिस्टम एक क्लिक में आप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल बीम डिस्टेंस बता दो, या आप इसे चेंज कर दो कि सर मुझे तो बताना है टोटल नंबर ऑफ, मुझे 5 चाहिए, अब कैसे भी एडजस्ट करो, ठीक है जी। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो बीम सिस्टम से। ये 3 ऑप्शंस यहाँ हैं, कनेक्शंस के बारे में हमारी बात हो गई है, बाकी स्ट्रक्चर्स में और कुछ हमारे लिए नहीं है। स्पेसिफिकली टूल्स यूज़ किए जाते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, तो हमारे लिए यूज़ होता है टेक्ला स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड टेक्ला CSI, जिसका ETABS है ना बेसिकली, उसी का सॉफ्टवेयर होता है टेक्ला। ये स्टील स्ट्रक्चर की मॉडलिंग और डिटेलिंग के लिए स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है डेडिकेटेड टू कंपनीज यूज़ करती है, ठीक है। तो
तो ये थी बात कंप्लीट मॉडलिंग से रिलेटेड, मॉडलिंग खत्म हो गई है, डिटेलिंग्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम कल फॉर डिटेलिंग पार्ट।